ये देखे एक मोबाइल उल्टा पड़ा है, एक कब नजर आ रहा है, एक कोने में बैठा है। आगे ओ, उड़ गया पागल का बच्चा। बस ये दिखाना था तो गया। और ना चलें, कोई बात नहीं, फिर से ही चलते हैं किचन में। आज हमारा है प्रोग्राम, ये कल के व्लॉग का हिस्सा ही है। ये कल का व्लॉग उन्होंने बनाया था थोड़ा सा। कल क्या था, कल पार्टी दी थी फैसल ने, हाँ बर्गर से कल बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया। तो कल हमने खूब इंजॉय किया और आज फिर हम अभी लगे हैं किचन में काम करने। तो काम आज हमारा क्या है इरादा बनाने का, आज हमारे घर बन रहा है चिकन पुलाव। इसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और चिकन को हम करेंगे साफ, फिर उसको चढ़ाएंगे चूल्हे पे। वो मुझे चिकन चाहिए था कहाँ है, फ्रीजर में किधर है, फ्रीजर में तो नहीं है, फ्रीजर में तो नहीं नजर आ रहा, नीचे पड़ा होगा, ये तो नहीं है कहीं। हाँ यही है, कितना है, 1 किलो है। ये देखें जी, 1 किलो चिकन हमारे पास आ गया है और चावल आ गए, ये चावल पड़े हैं, ये भी 1 किलो है, मैं इसको डाल दूंगी। और ये जो है वो साफ ही है तकरीबन, साफ ही है, बस थोड़ा सा जो करना है थोड़ा बहुत कर लो उसको। हाँ जितना मैंने करना है करीब से दिखा देना था कि मैं जो चिकन कैसे साफ करती हूँ। इस पे जो लगी होती है ना ये बारीक बारीक लेयर, ये झिल्ली थी, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे काट दिया। कुछ लोग इसे काटते हैं, कुछ नहीं भी काटते, लेकिन मुझे बहुत बुरी लगती है। जहाँ तक हो सके चिकन को बिल्कुल साफ कर लें, किसी किस्म का इसके ऊपर ना ये झिल्ली ना रहे। फिर उसके बाद ऐसे दो कट लगा दें ताकि जो भी चीज़ आप बनाएं इसमें अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए। और तो सारी आगे टांगे हैं कैंडी, कैंडल लाइट कैंडी, तो ये बाद में दिखाना, बाकी अभी थोड़ी देर के बाद आपको दिखाते हैं इसके प्रिपरेशन हो रही है, ये हो जाए उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये पुलाव का मैंने चढ़ा दिया है चिकन, ये 1 किलो चिकन है और उसके अंदर मैंने 4 ग्लास डाल दिए हैं पानी के, उसमें 2 चमचे भर के लहसुन अदरक और 1 चमचा भर के गर्म मसाला साबित और नमक एज योर टेस्ट। उसके बाद ये पकेगा और ये गल जाएगा इसमें। ये मैंने इतना रख लिया है, रख लो इतना, क्या जरूरत है, डालो खाएंगे बच्चे माशाल्लाह, बहुत सारा हो जाएगा फिर, नहीं होता बहुत सारा, तुम डालो, तुम 10 टांगे हो जाएंगी। अच्छा हाँ, पहले से भी सी मेरे पास, चलो फिर मैं कहता हूँ शाम का भी हो जाएगा ना, फिर तुम एक टाइम होता है फिर एक दूसरे टाइम, फिर उस चक्कर में भागते फिरते हैं। ये बड़ा मोटा डाल देती हूँ लेकिन और डाल तो सारा यार, ये शाम तक सारा खत्म हो जाना, बहुत सारा हो जाएगा ये, चलो अल्लाह ख्याल करेगा। तो मेरी जान से छुट्टी है शाम को, वरना फिर शाम को फिर लेके बैठ जाओगी कि अब मैं क्या पकाऊं, खत्म हो गया अब क्या करें। अब तकरीबन इसके अंदर 1.5 किलो से ज्यादा का चिकन है, माशाल्लाह ठीक है, तो कोई बात नहीं, बता रही हूं मैं। 5 लोग तो पाइये गोश्त तो खाते हैं, तो जानवर है क्या, तो 2 टाइम 5 लोग 2 टाइम नहीं खाते क्या, फिर और लहसुन ये मैंने हरी मिर्चें और रायता, रायता बनेगा बहुत सारा, रायता तो बनेगा, और वो खीरे लाएं क्या, चलो अभी साथ आ जाता है तो सुबह तो लेके आते खीरे। चलिए आज मैं आपको अपना सारा ही काम बता देती हूँ जो हुआ कल से लेके अब तक, बिजी रूटीन चल रही है, आज जो है ना फिर आपको
खिलवाड़ की बिल्कुल सिंपल कटिंग बता रही हूँ, जो के बता दो झुकियो पहले, फिर दोबारा बताओगी क्या ये। इसके इसलिए बता रही हूँ कि इसमें कपड़ा जिनको वाफर जिनके पास कपड़ा होता है तो उसके अंदर कपड़ा ना डालना पड़े उनको। अच्छा। तो जिसका अर्थ जरा बड़ा होता है कपड़े का, तो उसमें उसकी जो कटिंग होती है वो और भी ज्यादा सिंपल होती है। वो मैं बता रही हूँ बिल्कुल, इसको अक्सर लोग गुड्डी कटिंग कहते हैं। कपड़ा आपने ले लिया, देखिए ये फोल्ड कपड़ा है, ऐसे एक तरफ से खुला होता है, इसको मैंने डबल कर लिया ऐसे लंबाई में, ठीक है। 2.5 मीटर कपड़ा होता है आपके पास, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है कि पहले इसका जो है ना, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ ये वीडियो करीब से बनेगी, ये दूर से भी बनेगी। ये थोड़ा सा जो इसका साइड से होता है ना, ये आपने काट लेना है ताकि कपड़ा बिल्कुल बराबर का हो जाए। नजर नहीं आ रहा इसमें ना, ब्लर है इसमें, नजर नहीं आ रहा वो कौन सा ब्लर। अरे कह रहा था ना इसका वो करना पड़ेगा, कवर उतारना पड़ेगा। तो नहीं वैसे फोकस अब हुआ है, देर से होता है फोकस। ऐसे ना करो, सारा काम खराब करके ना फिर फोकस हो गया। नहीं खराब तो नहीं हो रहा, सही लग रहा है, बंद कर दीजिए। नहीं सही, चलने दे बस, ठीक है। चलो आओ, कहाँ गई ये जो कमीशन उठा ले, बस ये कर लेते हैं हम, तुम जाओ। यहाँ क्या करने लगी, पानी पीने आई थी। अच्छा, तो तुम बीच में पानी पीने चली गई छोड़ के। देखना अभी ये यहाँ रुके ना, अब सही है। अभी 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 देख ब्लर, अभी अभी ये ब्लर है, देखें है ना ब्लर। चलो खाली वाले मोबाइल के से ठीक बनता है ना, करते हैं देखिए। अभी भी फोकस नहीं हो रहा है, धुंधला है, सही है, सही है। चलो हो गया ऑन। हाँ ऑन है, ऑन तो है, हाँ ठीक है। क्या खत्म करें दोबारा से बना दे? नहीं नहीं सही है, बस चल रही है, बन रही है। तेरी रूटीन है इसमें, कुछ नहीं होता, तुम जाओ बस। कोई बात नहीं, आपस में लड़ो नहीं, चलता है ये सब, ये इस तरह से बनती है वीडियो। अब मैं कुछ बता लूं? हाँ तो बताओगी, तो हर है हम तुम्हारे लिए तो खड़े। ये आपने जैसे नाप लिया ना, यहाँ से आपने पकड़ा और एंटी टेप से आपने नाप ले लेना है। अगर आपने पांच इसके अंदर से ही मोड़ने हैं तो आपने 2 इंच बढ़ा लेना है, और अगर आपने इसके अंदर से 5 नहीं मोड़ने तो सिर्फ उतना ही साइज लेना जितना आपका एक्चुअल साइज है। मेरा एक्चुअल साइज 37 होता है, तो मैं इसमें से 5 भी साथ मोड़ूंगी तो मैं फिर इसको 40 तक ले लूंगी। अच्छा। क्योंकि इसमें से ही 5 मैंने मोड़ लेने हैं। ये हो गया 40, ठीक है। ये 40 दिखा दूँ आपको, और यहाँ पर आपने लगा लेना है निशान। चल अच्छा, ये निशान नजर आएगा आपको सही तरह। अब आपने इसको फोल्ड कर लेना है, यानी कि 2 पोंचे हो गए ये शलवार के। ये कपड़ा कितना वाफर है, ये खुला कपड़ा है, ये लिनन है, लिनन का यानी कि महंगा वाला सूट, तो ये वो सस्ती वाली शॉपिंग नहीं है, ये अच्छा वाला जरा कपड़ा है। तो ये ऐसे आपने उसको बिछा लेना, सारा सेट कर लेना। होने लगा था काम। हाथों से इसको अच्छे तरीके से बिठा लें। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने वो इधर से काट देना है। ये निशान है, मैं आपको लगा के दिखा दूँ ताकि आपको नजर आए। उन्होंने क्या देखना है, बस उनको अपने काट के दिखाना है। नहीं ये कटिंग इनको ज्यादा पसंद आई थी, ये आपने ऐसे ये मेरा ख्याल है कि जितना मैं कटिंग बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा आसान तरीका है, आपको इससे पहले नहीं किसी ने बताया होगा। अब आपको सीधा कर लिया इसने आपने, और फिर आपने 5 का निशान लगा लेना, यहाँ से 5 का निशान यहाँ तक, 9 इंच करने या 8 इंच करने।
तो यहाँ पे आपने मौज का निशान लगा दिया। चावल छोलो खुशबू आ रही है। अचानक कपड़ा करते करते चावल छोले बंदी कहाँ से आ गए? खुशबू आ रही है चावल छोलो। ऊपर से आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जितना आपका आपने मेहनत रखनी है उतना कर लें। तो ये 18 या 19 का निशान मैंने यहाँ लगा लिया है। 2 इंच का जब लेफा होगा 18 में से तो बाकी कितना बचेगा? मेरा मैथ सर कमजोर है। पता ना 16 गुजरी है तुमको। वो कैलकुलेटर लाओ। कैलकुलेटर लाना था मेरा। अच्छा अगर आपने तो इसका बनाना है ट्राउजर तो आपको ये ऐसे गोल कटिंग करनी पड़ेगी, और अगर आपने बनानी है शलवार तो आपको ऐसे सीधी कटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि मैं जो इसका ना बना लूँ ट्राउजर तो उसके लिए मुझे एक गोल कटिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से। मैं कहा मैं देखती हूँ क्या खा रहा है वो, खा के वो उठ भी गया। वही कुछ आ रही थी चाव चलो की वो मेरा तो ख्याल है व्यूअर्स को भी आ रही होगी। साथ जो है जैसे उठा है बिस्कुट से आया है पढ़ के काटे ताकि कपड़ा कटे। चल ठीक है ना, लग रहा है ट्राउजर लग रहा है कुछ कुछ। और ऊपर से आपने यहाँ से भी इसको काट देना। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपने कपड़ा शामिल नहीं करना बीच में, वो उनमें करना पड़ता है जब अर्स छोटे हों और पहनने वाले माशाल्लाह से मेरे जैसे हों। तो मिला दे चावल छोटे। नहीं भाई घर में प्रॉब्लम है चावल छोले का कटिंग। मैंने चेक करना। नहीं नहीं मदर कर, ये हो गई शलवार की कटिंग, ट्राउजर की कटिंग हो गई। इसमें क्या करना था उन्होंने, इसके अंदर क्या करेंगे आगे? नेफा मोड़ेंगे ऊपर से, कोई बता दो सही तरीके से ताकि उनको पता हो कि बस करना क्या है इसके। हाँ, मैं इसको सी के दिखाऊंगी। अच्छा चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं सी के दिखाऊंगी। चलो फिर बंद करें। चलो फिर जी आपसे मैं मिलूंगी जब मैं इसको सीऊंगी, सी के दिखाऊंगी। और ये बिल्कुल कटिंग भी आसान है और बिल्कुल सादा है, और इसकी जो सिलाई है वो भी आसान है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आपकी मर्जी है, जो भी करना कर दें। वो ही नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। चलो ब्लॉग की तैयारी हो रही है, और ये प्याज जो है ये मैंने ब्राउन कर लिया है, और हमने चिकन ग्ला के रख लिया था इससे पहले कि ये सड़ जाए। इसमें नहीं डालू टमाटर जो है वो नहीं मिल रहे हैं मेरे, तो उसका जो है अल्टरनेट मैंने ढूंढा है ये कि इसमें दही डाल देते हैं। तो इसमें हमने दही डाल दिया है, और साथ में इसके अंदर जा रहा है ये चिकन। ये देखें आप चिकन कितना ज्यादा है, मुझसे माशाल्लाह खाया भी नहीं जा रहा। मैं भी बढ़ा दो, कैमरा गिर जाएगा। ऊपर रख लो ना कुकर को, उसके ऊपर पतीले पे पतीला भी उड़ जाएगा। नहीं उड़ता, मैंने सारा डाल ही दिया। दही और डालेंगे। ये तो गोश्त हड्डियों से अलग हो गया, उसी तो कहा था। अच्छा अच्छा ऐसा हो हाथ लगाऊं और गोटी टूटे। अब बन रहा है तो हड्डियों से ज्यादा हो गया। ये हरी मिर्चें जो है
इतने डाल दें, इतने डाल दें कि खाने वालों के ना पता निकल जाए, पानी निकल जाए नाक से। पुलाव करारा नहीं बनाती। हाँ ये फिक्का बनाती है हमेशा, ये पुलाव आज ये कुछ करारा पुलाव बना रही है, वरना तो बिल्कुल फिक्का होता है, खाने के लायक नहीं होता। जस्ट जोकिंग। खत्म तो होता है, हमारे घर में कोई पुलाव बना नहीं था, मन पक्की जो है वो 40 किलो होती है, तो एक पाव भी लेना मुश्किल है, दही और भी ज्यादा है इसके अंदर। राजू आज टमाटरों का बदला हम दही से लेंगे, दही से लेंगे। तो इसमें मैं डालती होती हूँ और ये हम खीरे भी लाए हैं। ओह ये खीरे भी आ गए सलाद के लिए, सलाद के लिए खीरे आए हैं, सलाद बनेगा इसका, सलाद के लिए खीरे आए हैं, सलाद ले गए हैं। ये बोला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो रख दो यहाँ। और हमने इसके अंदर डालना है नमक, ये रख दो, मेरे सर पे रख दो, मार दो ना सर पे रख, इतने फरमा मर डाल दो। ये नमक डाला, अच्छा तुम प्यार कर रहे हो, प्यार की जाओ यहाँ से, थोड़े में आता नहीं, मैं करता है हाँ, ऐसे एहसान नहीं करो, एहसान नहीं करो, एहसान नहीं करो, नमक डाल दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है, और ये लाल मिर्ची भी ठोक दे इसके अंदर। आज तो गुस्से में बना रही हो, खाओगे नहीं क्या खाना? यहाँ किधर आया? बाइक देने जा रहा है वापस दोस्त की। चलें जी, अब मैंने पुलाव में सारे लवाजमात डाल दिए। तुम ये कोनी मार दोगी कैमरे पे और फिर बात खराब हो जाएगी, इसलिए कि पहले दिखाने दो या फिर कोनी मार लो। चावलों में पानी मिला के गिर जाए बड़ी तरह। चलो जी अच्छा ये हो गया कंप्लीट, बस इसमें चावल डालेंगे, इसका पूरा प्रोसेस। इसके अंदर डालेंगे पानी हम, नाप के 1 किलो में 4 ग्लास डाल देंगे पानी के, और ये जसनी बची है ये भी डाल देंगे साथ में। उसके बाद चावल भीगे पड़े मेरे पास, इनका पानी निकालेंगे, पानी डाल देंगे, उसके बाद आपको तरीका इतना तो आते ही होगा बाकी दम कैसे लगाना है। 10 मिनट का दम देंगे और पुलाव तैयार, पुलाव तैयार है। इसका हम बनाएंगे हरी मिर्च का रायता, हरी मिर्च चटनी जो होती है, हरी मिर्च पुदीना और लहसुन की, उसका हम रायता बनाएंगे, साथ में बनाएंगे हम सलाद और फिर हम इस पे टूट पड़ेंगे। चलो अब चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। इसी अगली वीडियो में।